हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज हेयर वी आर विद अनदर वीडियो ऑफ़ करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज तो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज कवर करेंगे दस क्वेश्चन कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान से कीजिएगा हर क्वेश्चन को और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है क्वेश्चन देखने के बाद उसको समझने के बाद वीडियो को पॉज करें और एक बार पहले खुद से आंसर अपना मार्क कर लें तो अगर अभी भी आपने पेन और पेपर नहीं लिया तो एक पेन और पेपर लो उसके अंदर वन टू टेन नंबरिंग करो और उसमें आपको ये देखने का रहेगा कि कितने क्वेश्चन uh, जो हैं वो उसमें आपके सही हुए कितने क्वेश्चन जो हैं वो गलत हुए तो उससे क्या होगा ना एक रिवीजन वाला जो काम है वो आपका साथ के साथ चलता रहेगा ऑल राइट एंड मॉक टेस्ट का बेटा लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मॉक टेस्ट जरूर दो और मॉक टेस्ट के लिए लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो बार बार मैं बोल रहा हूं अभी देना शुरू करोगे तभी आ, कुछ फायदा होगा कुछ लगेगा कि हाँ यार यहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी है वहां पर इम्प्रूवमेंट कर पाओगे है ना चलिए सो दीज आर द कोर्सेज गाइड एंड इन कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अगर आज आप मॉक टेस्ट देते हो लास्ट डे आज ट्वेंटी अप्रैल लास्ट डे है मॉक टेस्ट तो ओपन रहेगा उसके बाद भी लेकिन आज अगर आप मॉक टेस्ट देते हो एंड इफ यू स्कोर मोर देन थर्टी सो उसके अंदर फिर आपको इन कोर्सेज में नाइन्टी परसेंट का जो है स्कॉलरशिप मिलता है एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स अगर आप लेते हो तो नाइन्टी परसेंट इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलकर के अराउंड साठ सत्तर रुपए का रहता है काफी बच्चों को ऑलरेडी ये मिल चुका है और ले चुके हैं बच्चे ओके सो लेट अस स्टार्ट क्विकली विद द क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल्स देखो मिसाइल्स वाला एक ऐसा पार्ट है जो करंट uh, के अंदर रहता ही रहता है क्योंकि कोई टेस्टिंग हो गई कुछ हो गया तो ये न्यूज में आ जाता है तो अपने को पता होना चाहिए अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन है पहला कहता है कि एक तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है और ये टू स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल है ड्यूअल रिडेंडेंट नेविगेशन है और गाइडेंस सिस्टम है तो बेसिकली पहले स्टेटमेंट के अंदर ये तीन फीचर्स बता रहा है इस मिसाइल के एक के न्यूक्लियर कैपेबल है दूसरा टू स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट है तीसरा रिडेंडेंट नेविगेशन है दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज अ केनेस्टराइज मिसाइल एंड हैज रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड किलोमीटर मिसाइल की होती है बेसिकली जो कम स्पेस के अंदर आप इसको इजीली मोबिलिटी इसकी इजी हो जाती है ठीक है आप इसको स्टोर करके इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो व्हीकल के थ्रू ये इसका मतलब होता है कैनिस्ट्राइज मिजाइल का तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या कोई भी नहीं तो अग्नि प्राइम बेलिस्टिक मिजाइल के बारे में स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो आप इजिली आंसर कर सकते हो आंसर यहां पर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा एंड दैट इज ट्रू ओनली पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट है बेटा ये टू स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट वाले पॉइंट की वजह से लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं है ये सॉलिड प्रोपेलेंट uh, है और इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत हो गया ठीक है सर जी तो न्यू जेन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये एंड uh, इसकी जो रेंज है वो थाउजेंड टू टू थाउजेंड किलोमीटर है टू स्टेज केनेस्टराइज सॉलिड प्रोपेलेंट मिजाइल तो कैनिस्ट्राइज है ड्यूअल डिटेंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम भी है पर लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं है सॉलिड प्रोपेलेंट है का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हो शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप इसको लॉन्च कर सकते हो ओके okay? एंड इसका वेट भी अगर आप अग्नि सीरीज में अग्नि थ्री मिसाइल को देखते हो तो अग्नि थ्री मिसाइल के मुकाबले 50 परसेंट कम वेट है इसका ठीक है तो ये एक न्यू एज मिजाइल सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यहाँ पर गायब नहीं किया हुआ इसको हमने तो आपके सामने ही आ गया बट कोई बात नहीं क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हेड रिसेंटली अप्रूव द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जी एम वेराइटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड एंड ऑप्शन ए है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बी न्यूजीलैंड सी ईरान डी ऑस्ट्रेलिया ओके okay, तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया ने ये जो इंडियन मस्टर्ड की जीएम वैरायटी है इसकी कल्टीवेशन का अप्रूवल दे दिया है बॉटनिकल इस जी जीएम जो मस्टर्ड है इसका क्या होता है ब्रेसिका जुनेसिया ओके और ये जो आपका जीएम वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट एक वेराइटी है ओके okay, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेंगे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑन पिछले दो तीन साल में काफी तो आती है okay, तो आपको इंटरनेशनल कुछ स्टेटमेंट गिवन है पहला स्टेटमेंट है, कि ये जो है 1997 में हुआ था और इसका जो रीजन था स्टैब्लिश होने का वो क्या था कि कैसे इमरजेंसी वैक्सीन सप्लाईज और एंटीबायोटिक्स के जो एफर्ट्स हैं उनको मैनेज किया जा सके और कोऑर्डिनेट किया जा सके कंट्रीज के बीच में जब डिजीज का आउटब्रेक होता है दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो आईसीजी है इसके अंदर वर्ल्ड बैंक और अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के मेंबर्स हैं आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ डी निधर अब यहां पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों आंसर आपका होगा ऑप्शन ए ठीक है पहला बिल्कुल सही है 1997 में बना था इमरजेंसी वैक्सीन सप्लाईज के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए ओके okay, बट इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड बैंक और गैवी के नहीं है और मेंबर्स हैं वो अभी हम आपको सोल्यूशन में दिखाते हैं ओके okay, सो so का ये याद रखेंगे इसको स्पेसिफिकली किया गया था जब मेनिंग का आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका में ओके okay, एंड इसका काम क्या है कोऑर्डिनेट करता है इमरजेंसी वैक्सीन सप्लाईज को और एंटीबायोटिक्स के जब मेजर आउटब्रेक हो ओके एंड कॉलरा टिस येलो फीवर जैसे जैसे डिजीजेस की वैक्सीन का सप्लाई एश्योर करता है और राइट एंड इसके अंदर जो मेम्बर्स है उसमें आपका डब्ल्यू एच ओ आ गया यूनिसेफ आ गया मेडिसन्स एंड फ्रंटियर्स आ गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस आ गया एंड रेड क्रेसेंट आ गया ठीक है तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए आपका स्टेटमेंट टू गलत हो गया था थर्ड क्वेश्चन ब्लू फ्लैग बीच ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि अक्टूबर के अंदर अक्टूबर uh, 2022 के अंदर कुछ नए बीचेस को ये सर्टिफिकेशन मिला था तो बेसिकली इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसीडर करना है ब्लू फ्लैग इज एन इंटरनेशनल इको लेबल टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज्म सेक्टर टूरिज्म सेक्टर के अंदर सस्टेनेबिलिटी लेकर के आएगा दूसरा कह रहा है थुंडी एंड काडमट बीच विच वर रिसेंटली एडिक टू द ब्लू फ्लैग लिस्ट आर लोकेटेड इन लक्षद्वीप ये दो अभी रिसेंटली इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था तो ये लक्षद्वीप के अंदर है ये दूसरा स्टेटमेंट आपको ये पूछ रहा है तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ब्लू फ्लैग का ये ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल का बेसिकली प्रोग्राम है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है अगेन करेक्ट है ओके टू ओनली वन एंड टू टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री यहां पर आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ठीक है सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है थुंडी और काधमट बीच जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है दोनों लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है और जो आपका ब्लू फ्लैग है ये एक इंटरनेशनल इको लेबल है बेसिकली ये टूरिज्म सेक्टर को एक सस्टेनेबल फॉर्म में डेवलप करता है कि भाई बीचेस को क्लीन रखो टूरिज्म भी बढ़ेगा और आपका एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मॉडल भी ये एक रहेगा और सो टू बीचेस मिनिकॉर थुंडी बीच एंड काधमट बीच इन लक्षद्वीप इनको ब्लू फ्लैग मिला है ऑल राइट एंड मोस्ट रिकोग्नाइज वॉलेंट्री अवार्ड है बीचेस के लिए मेराइन एरिया सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स के लिए इसको फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन रन करता है इस प्रोग्राम को इसीलिए आपका जो थर्ड स्टेटमेंट था वो गलत हो गया था ठीक है सस्टेनेबिलिटी टूरिज्म सेक्टर के अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ठीक है उन सबके अंदर ये फोकस करता है इन दो बीचेस के साथ इंडिया के टोटल ट्वेल्व बीचेस हैं अब जो जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो मिला हुआ है तो ये ट्वेल्व बीचेस एक बार देख लो क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन अगर पूछ लेगा यूपीएससी तो आप इजीली आंसर कर पाओगे सो इन ट्वेल्व बीचेस के अंदर आपके जो बीचेस आ जाते हैं शिवराजपुर गुजरात में घोघला दीव में कासरकोड एंड पदुबिदी कर्नाटका में कप्पड़ केरला में डा आंध्र प्रदेश में गोल्डन उड़ीसा में राधानगर अंडमान एंड निकोबार कोवलम तमिलनाडु में और एडेन जो है वो प्यडुचेरी के अंदर हो गया और बाकी दो जो आपके अभी रिसेंटली एड हुए हैं लक्षद्वीप के नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन एंटी स्मोक गन ये काफी ज्यादा न्यूज के अंदर रहा था विंटर्स में आफ्टर दिवाली ऑफ 2022 काफी ज्यादा न्यूज में रहा था तो इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक डिवाइस है जिसमें से सोडियम लॉरिल सल्फेट रिलीज किया जाता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा दीज रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय बाइंडिंग डस्ट एंड अदर पर्टिकुलेट मैटर ठीक है कैसे पोल्यूशन को कम करता है जो लिक्विड रिलीज हो रहा है वो डस्ट को एक तरीके से कैप्चर कर लेगा या पर्टिकुलर मैटर को कैप्चर कर लेगा ओके आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो भाई दिल्ली में रहता है उसको तो पता ही होगा ये ठीक है क्योंकि दिल्ली के अंदर ही ये एंटी स्मोक गन्स को इस्तेमाल किया गया था करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों इनकरेक्ट आंसर पूछा है ना अपने से कि इनकरेक्ट कौन सा है तो इनकरेक्ट है इसमें दोस्तों पहला स्टेटमेंट ए क्योंकि सोडियम लॉरिल सल्फेट तो एक हार्मफुल केमिकल है अगर उसको यूज करने लगे तो आपकी आ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा एंटी स्मोक गन्स में बेसिकली पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना कि किसी केमिकल का तो एंटी स्मोक गन्स को दिल्ली में यूज किया गया था पोल्यूशन को कम करने के लिए एंड इसके अंदर जो वाटर है उसको काफी नेब फॉर्म में स्प्रे किया जाता है काफी टाइनी पार्टिकल्स के अंदर प्रेशर के साथ और उस प्रेशर वाले पानी के साथ क्या होता है जो आपके हवा के अंदर प्रदूषण uh, के पार्टिकल्स है ना वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसके साथ जब वो अटैच हो जाएगा इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड ओके फिर वो जमीन पे गिर जाएगा तो हवा में सस्पेंडेड नहीं रहेगा ये एंटी स्मोक गन को स्प्रे गन मिस्ट गन वाटर कैनन भी बोला जाता है इसको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी जैसे माइनिंग के अंदर कोल फील्ड्स के अंदर स्टोन क्रशिंग सेक्टर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया बाइंड करके ये पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा सोडियम लॉरेल सल्फेट तो एक डिटर्जेंट है जिसको कॉस्मेटिक्स में आप यूज करते हो ठीक है लेकिन अगर ये स्किन आईज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ आपके कॉन्टेक्ट में आ गया तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ओके तो इसको तो नहीं यूज करेंगे हम एंटी स्मोक गन्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में रहते हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो इनके बारे में स्टैटिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है और इंश्योर करता है कि ट्रेड का धंधे की फ्रीडम रहे हिंदुस्तान की मार्केट में यानी कि धंधे की फ्रीडम का क्या मतलब हो गया कि मोनोपली नहीं क्रिएट होनी चाहिए दूसरा कहता है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है ये दो स्टेटमेंट आपको गिवन है आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए कहता है वन ओनली बी कहता है टू ओनली सी कहता है बोथ वन एंड टू एंड डी कहता है नीधर वन नू तो यहां पर आपका क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है डिपार्टमेंट कौन सा है वो देख लेते हैं ओके सो so, कंपटीशन ऑफ़ इंडिया का एम क्या है एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन को एलिमिनेट करना कोई भी अगर बिजनेस ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है जिससे कंपटीशन खत्म हो रहा हो और उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है। अगर सिर्फ मोनोपली है तो कंज्यूमर के पास फ्रीडम नहीं है ठीक है सिर्फ एक ही बंदा है अगर माल बेचने वाला तो कंज्यूमर के पास कोई मोनोपली नहीं है आप मॉल में जाते हो दस कपड़ों की दुकानें हैं तो आप दस पे घूम सकते हो सोचो अगर एक ही कपड़े की दुकान हो तो आपको उसी से लेने पड़ेंगे ठीक है तो फ्रीडम इंश्योर करता है कंपटीशन एक्ट अमेंडमेंट 2007 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था एक इसमें चेयरपर्सन होता है छह मेंबर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये आती है ठीक है कोई भी एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट है अगर तो ये उसको कंप्लीटली एक्ट जो है कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोहिबिट करता है एंड ये जो एक्ट है बेसिकली मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉ की फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है उसकी डिटेल में आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी दिख रहा है पर कोई बात नहीं चलो बेस्तु वर्ष फेस्टिवल अक्टूबर महीने में कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया था गुजरात के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात का एक तरीके से ये न्यू ईयर होता है ठीक है एंड इसको काफी ज्यादा जो है गुजरात के अंदर गुजराती कम्युनिटीज इसको सेलिब्रेट करती हैं बहुत ज्यादा डिटेल में अगेन इसकी जाने की आपको जरूरत नहीं है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के हिसाब से जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज की है क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को रिलीज कौन करता है तो ये भी याद रखिएगा तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि जो ग्लोबल एमिशन है ना वो पीक पे जाएंगे कौन से ईयर तक कौन से ईयर तक ग्लोबल एमिशन पीक हो जाएंगे ऑप्शन ए ट्वेंटी थर्टी फाइव बी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सी ट्वेंटी फिफ्टी एंड डी ट्वेंटी फोर्टी सो बेटा ये पीक हो जाएंगे आपके 2025 तक तो आंसर यहां पर आपका क्या होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट स्टेटेड दैट एवरी चाइल्ड अक्रॉस द ग्लोब विल बी एक्सपोज्ड टू सिवियर हीट वेव्स बाय 2050 किस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने बोला कि जितने भी दुनिया के अंदर बच्चे हैं वो सीवियर हीट वेव से एक्सपोज होंगे 2050 तक ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम सी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड एंड डी इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की ये रिपोर्ट थी ओके सो यूनिसेफ की रिपोर्ट थी जिसका नाम था द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एस्केलेटिंग इंपैक्ट ऑफ हीट वेव्स 2050 तक एवरी चाइल्ड जो अराउंड टू बिलियन होंगे अक्रॉस द ग्लोब वो एक्सपोज्ड होंगे टू फ्रीक्वेंट लॉन्ग लास्टिंग एंड मोर सीवियर हीट वेव्स 2020 के मुकाबले 24 परसेंट ज्यादा टेंथ एंड फाइनल क्वेश्चन इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो स्पेसिफिकली एपीएफसी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2022 में अगेन इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने एक प्रोग्राम अप्रूव किया जिसका नाम था बीमा सुगम ये एक तरह का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ठीक है जहां पर एक कंज्यूमर जाकर के जो भी उसकी इंश्योरेंस नीड्स है उनको फुलफिल कर सकता है बीमा सुगम यहां पर अलग अलग कंपनीज अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को हाईलाइट करेंगी तो ये कब से इफेक्ट में आना था ऑप्शन है फर्स्ट जनवरी 2023 बी फर्स्ट जनवरी 2023 सी फर्स्ट मार्च 2023 डी फर्स्ट नवंबर 2022 सो so, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए एक जनवरी 2023 से ये बीमा सुगम जो है आई आर डी आई अप्रूव्ड ये आपका इफेक्ट में आ चुका है, खरीदा हुआ है तो आपको PDF के लिए अलग से लेने की नहीं है कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करें व्हाट्सएप कर सकते हैं मेल कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें आप सब लोग बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर व्यूज हमें नहीं पता कि क्यों कम है आपकी वीडियो के ऊपर आप अच्छा पढ़ा रहे हो ये क्योंकि देखो मैं मैं मेरे जो प्रमोटर्स हो वो आप लोग हो ठीक है मैं किसी मार्केटिंग या मैं लाखों रुपए मार्केटिंग पे खर्चने वाला आदमी नहीं हूं है ना तो मेरे तो प्रमोटर्स आप हो जितना आप प्रमोट करोगे उतनी वीडियो प्रमोट हो जाएगी आप नहीं करोगे तो जो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर जेनरिक देखो ना तो मैं वो हूँ जो पैसे दे करके सब्सक्राइबर्स को बुला लूँ पैसे दे करके व्यूज को बुला लूँ ठीक है तो वो वाला सिस्टम यहाँ पर हमने अडोप्ट नहीं किया है तो आप ही हो जो हो है ना चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर एंड बाय